वैसे आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। लास्ट टाइम हमने करी थी 1.5 सीसी इंजन का टीएसआई पेट्रोल वर्तुस का हमने ड्राइविंग एक्सपीरियंस करा था। आज जो हम करने वाले हैं, हम करेंगे इसका येलो कलर का वर्तुस का 1 लीटर सीसी इंजन टीएसआई, ये भी पेट्रोल में है। तो लेट्स सी, फीचर वगैरह कम्फर्ट तो सब सेम ही होगा, बट देखते हैं कि कैसा है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कैसा इसका पिकअप है। तो अब देखते हैं, हम गाड़ी में अब चलते हैं, देन उसके बाद मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ। तो भाई आज हम करने वाले हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका वर्तुस का 1 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन का, ठीक है। अंदर से तो बाकी ऑलमोस्ट जो है थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, लाइक उसका जो अंदर से इंटीरियर आ जाता है किसी का रेड आ जाता है, सेटिंग अपोजिट चेंज हो जाती है, उसका जो डिस्क ब्रेक है उसमें रेड कैलिपर आ जाता है, तो कुछ चेंजेस हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट फीचर वाइज बात करें, कम्फर्ट वाइज बात करें, सब चीज़ें गाड़ी सेम ही है अंदर से, ठीक है। तो अभी हम इसका एक आज ड्राइविंग एक्सपीरियंस करेंगे और थोड़ी गाड़ी 100 की स्पीड में भी चलाएंगे, देखेंगे कि कैसे गाड़ी का सस्पेंशन है, सब चीज़ें हम इसमें आप चेक करेंगे। एंड इससे पहले वाली जो मैंने गाड़ी कवर करी थी वो थी आपकी 1.5 टीएसआई पेट्रोल इंजन था, तो उसका तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा पिकअप तेज होगा, ठीक है। बट वो गाड़ी मैंने चलाई थी लोकली नियर अबाउट सर्कल में ही, बट आज इसको हम थोड़ा हाईवे पर लेके चलेंगे, देखते हैं कि कैसा इसका एक्सपीरियंस रहता है 1 लीटर सीसी का इंजन का, कि कितना इसका पिकअप है और कैसी 100 की स्पीड कितनी देर में ये पकड़ लेती है, कितने सेकेंड्स में कवर कर लेती है। तो गाइस इसमें और एक चीज़ और कि इसमें जैसे कि आपका दोनों है, ड्राइव मोड स्पोर्ट मोड दोनों है, तो ड्राइव मोड में भी कितना एक्सेलरेशन 0 to 100 कितने सेकंड्स में कवर करता है और स्पोर्ट मोड में कितना कवर करता है वो भी अभी हम चेक करेंगे। बाकी इसका टर्निंग रेडियस वही 5.02 मीटर, भाई बहुत बढ़िया टर्निंग रेडियस है। इतने में से ही मैंने गाड़ी घुमा दी और बहुत अच्छी कटिंग भी है गाड़ी की, जैसे उसकी 1.5 की भी थी। बस जो ज़्यादा आपको जो इसमें डिफरेंस मिलेगा ना यार, वो आपको बिल्कुल ही इंजन का मिलेगा। तो आज हम इंजन एक्सेलरेशन देखते हैं कितना कवर करता है कम सेकंड्स में। एंड बाकी इसका जो अब एक्चुअल में जो एवरेज है वो आपको सिटी में जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 14 to 15 का, एंड हाईवे पे अगर आप चलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको 18-19 का दे देगी। एंड जो कंपनी क्लेम कर रही है 19.5 to 20 का क्लेम करती है, तो वही 1-2 किलोमीटर आप कम मान सकते हैं हाईवे से। एंड लोकल तो भाई हर गाड़ी 3 to 4 किलोमीटर का तो फर्क आ ही जाएगा, तो 14-15 तो जब भी ऑटोमेटिक में, वो भी पेट्रोल है, तो इतना एवरेज ही बहुत सफिशियंट है यार, तो एवरेज तो अच्छा है गाड़ी का, नो डाउट। बाकी भाई और अगर इससे कंपेरिजन करें काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे इतना ट्रैफिक है, तो इसमें तो गाड़ी अगर कोई अच्छी से अच्छी भी होगी ना, अच्छे से अच्छा एवरेज देगी, तो वो भी 11-12 तक पहुँच जाती है। तो ऑटोमेटिक वैसी है तो उसमें भी आपको ये 10-11, तो उसमें ऐसे कोई कंपैरिजन मत कीजिएगा आपकी, कोई ट्रैफिक में जाके आप कंपेयर करोगे यहाँ पे एवरेज नहीं दे रही, तो किसी भी आपको ट्रैफिक में तो एवरेज किसी गाड़ी का मिलता ही नहीं है। बाकी कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट तो है ही बहुत बढ़िया है, आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, ठीक है, आप अपने लेग जो आपका लेग रूम है लेग रूम की बात करें, एंड ऊपर से आपको इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं, तो ये आपका कम्फर्ट और बढ़ा देता है। बाकी अभी ट्रैफिक से निकलते हैं, अभी हम इसका शूट करते हैं कितना एक्सेलरेशन है। दूसरा कंफर्ट की बात करें तो आपको यहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिली हुई हैं, ठीक है, तो वेंटिलेटेड सीट्स हुई, लॉन्ग जर्नी कहीं जाओगे तो कंफर्ट आपको उसमें बढ़ाएगी गाड़ी। बाकी वासु भाई इसमें कुछ यार एक्स्ट्रा कुछ फीचर, लाइक जैसे कि मैं बहुत सीडान वरना हो गई, होंडा सिटी हो गई, स्लाविया हो गया, तो उनसे क्या है थोड़ा सा अलग इस गाड़ी में कुछ ऐसा? स्पेस ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है, पिकअप ज्यादा है, यही सब रहता है। पता क्या होता है, हाँ, अगर हम कंपेयर करें ना हमारी गाड़ी का, जिससे कंपैरिजन है ही नहीं, हम होंडा सिटी से कंपेयर करेंगे, उनकी 1.5 आती है, हमारी 1.5 तो कोई कंपैरिजन नहीं है। 1 लीटर का कस्टमर कहते हैं ना होंडा सिटी का पिकअप ज्यादा, सर उनका 1.5 लीटर इंजन है। अच्छा अच्छा, आप हमारी 1.5 से फिर उनकी 1.5 करो ना। हाँ, 1.5 और 1 का तो कोई कंपैरिजन रहेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 का तो थोड़ा पिकअप और टॉर्क तो ज़्यादा ही मिलता है उसमें, बीएचपी भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कि इसमें गाइज आपका 3 सिलेंडर आपका पेट्रोल इंजन है, और 3 सिलेंडर का जो एनवीएच था एज कम्पेयर 1.5 से मैं करूँ वर्तुस में, उसमें आपको 4 सिलेंडर मिलता है, लेकिन एनवीएच लेवल दोनों का ही मुझे सेम लग रहा है। अंदर से इंसुलेशन जो लेवल है ना इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल साइलेंट है गाड़ी, बाहर से इतना नॉइज़ नहीं आ रहा ना, इतना गाड़ी में अभी हार्शनेस है, खैर वो तो 40 की स्पीड में क्या ही पता लगेगा, बट अभी हम बात करते हैं जब गाड़ी 100 की स्पीड में जाएंगे, तो जब हम देखते हैं एनवीएच लेवल कैसा है इसका, सस्पेंशन लेवल, सस्पेंशन ट्रेवल सब उसमें पता लग जाएगा। अगर यहाँ दिखा दो भाई, इसमें हम जो दिखाएंगे आपको, एक तो ड्राइव मोड में भी दिखाएंगे, स्पोर्ट मोड में भी दिखाएंगे, और एक मैनुअल मोड, तीनों में हम दिखाएंगे कि आपकी गाड़ी 0 to 100 में कितने सेकंड से पहुंच जाती है। अभी जो हमारा है ड्राइव मोड है, ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 सेकंड्स में, देन देखते हैं 10 सेकंड के अंदर ये कितना एक्सेलरेशन करती है। तो 5, 4,
3, 2, 1 गो। तो स्पीड मीटर भी देखना, जीरो टू 10 सेकेंड्स में ये गाड़ी जंप करी 82 की स्पीड में। ठीक है, तो आपका जो इसका आपको मिलेगा 100 की स्पीड जो मिलेगी इसमें आपको मिल जाएगी, 0 to 100 की स्पीड वो आपको मिल जाएगी लगभग लगभग आपको 10.5 या 11 सेकंड में ये जो कवर करेगी 100 की स्पीड 11 सेकंड में कवर करेगी, जो कि अच्छी बात है। आपकी क्रेटा में भी यार जो 1.5 सीसी का इंजन है उसमें भी आपको वो जो मेरे पास 2018 मॉडल था वो भी 10.5 सेकंड लेती थी, तो ये 0.5 मिलीसेकंड ज़्यादा ले रही है 100 की स्पीड कैच करने में। और इसका जो कि 1000 सीसी का इंजन है तो अंडर पावर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और अच्छा इंजन है। और जब मैंने इसको चलाया तो एनवीएच लेवल भी काफ़ी डिसेंट था, वो तो आती है कि 100 की स्पीड में इतना इंसुलेशन तो आती है, इंजन की आवाज़ तो आती है, बट जो बाहर की एयर का साउंड आ रहा है वो साउंड मुझे इसमें फील नहीं हुआ। और अभी भी गाड़ी एक डिसेंट स्पीड में नहीं चल रही है, थोड़ा समय और अभी इसमें आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ। तो बाहर से कैमरे आगे थोड़ी कम करते हैं, स्पोर्ट्स पकड़ो, अभी उस स्पोर्ट पे आगे दिखाऊंगा मैं। बाकी इसमें देखो अभी आप गाड़ी 80 की स्पीड चल रही है, तो अभी तो मुझे पिकअप में कोई ऐसा है इसमें कोई अंडर पावर फील नहीं हुआ, और आप फील भी कर सकते हैं कि बाहर से एनवीएच लेवल एंड सस्पेंशन तो है ही बहुत अच्छा, गाड़ी में कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, कोई हार्शनेस भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया लगी मुझे अभी तक। तो बाकी अब इसका हम स्पोर्ट में भी देखते हैं और मैनुअल में भी देखते हैं कि उसमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो गाइज अभी हम करते हैं 0 से 80 का टेस्ट स्पोर्ट मोड में। S1 आपका ये S मोड एक्टिवेट हो चुका एक बार, तो आगे सीधा अभी हम देखते हैं 19, 20, 22, 23, 24 थोड़ा सा मैंने इंक्लाइन पे स्टार्ट किया है, बट फिर भी देखते हैं थोड़ा सा, तो मुझे इनिशियल लैग काफ़ी अच्छा लगा है। 10 इसमें आपको जो मैंने 10 सेकंड का इसमें ब्रेक दिया है, इसमें आपको मुझे जो पर्सनली फील हुआ है, पहले जो गाड़ी पहुंची थी 0 to 80 पहुंची थी वो आपकी 10 सेकंड में, लेकिन अब जो मेरी 88 जो 10 सेकंड में पहुंची वो 88 मतलब 8 से 9 स्पीड इंक्रीमेंट हुई है। तो मतलब मान के चलिए कि 0 to 90 का जो इसमें एक्सेलरेशन हो जाता है वो हो जाता है 10 सेकंड में स्पोर्ट मोड में लगा के। ठीक है, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आपकी गाड़ी RPM ज़्यादा लेने लग जाती है जब आप स्पोर्ट मोड में लगा देते हैं, तो उसमें भी ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको उसमें थोड़ा सा एज कंपेयर करें हम ड्राइविंग मोड में तो उसमें आपको मिल जाता है एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट मोड में आपने लगाई है तो थोड़ा एक्सेलरेट ज़्यादा करती है, RPM ज़्यादा लगता है। ठीक है, अभी बात हम करते हैं अब इसकी मैनुअल की, मैनुअल शिफ्टिंग कैसी है तो उसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस अब हम इसमें करेंगे आपका मैनुअल में, ठीक है, मैनुअल में आपका हो जाएगा ऐसे, अब हम करेंगे पैडल शिफ्टर का यूज़। ठीक है, तो अब मैनुअल में देखते हैं कितनी गाड़ी हमारी कितनी जल्दी एक्सेलरेट करती है। तो 5, 4, 3, 2, 1 गो। एक बार स्पीड मीटर पर ले लो, 10 सेकंड में तो बहुत फर्क है गाड़ी में। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर ये आपकी गाड़ी टच जो कर जाती है मैनुअल में वो कर जाती है नियर अबाउट 95। ठीक है, तो आप मान सकते हो 5 ही स्पीड कम थी जो आपको 100 से टच होने में रह गई थी, नहीं तो ये आपका 10 सेकंड के अंदर जब आप मैनुअल शिफ्ट कर रहे हैं पैडल शिफ्टर्स के थ्रू तो उसमें आपको ये 0 to 95 की स्पीड मिल जाती है 10 सेकंड के अंदर। तो तीनों ही जो मोड्स हैं इसके अपने अपने अलग अलग एक्सेलरेट करते हैं, अलग अलग RPM जनरेट करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी खासी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो मैनुअल में मिलेगी पैडल शिफ्टर्स के थ्रू, बट बाकी अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप उसको ऑटोमेटिक ड्राइविंग में ही रन कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको क्या है ना कि अगर आप पैडल शिफ्टर्स में भी आपको अच्छा एवरेज मिल जाएगा, बट अगर आप एक्सेलरेट ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एवरेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही है, स्पोर्ट मोड आपका थोड़ा सा एक्सेलरेट ज़्यादा करता है, हाई आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा चाहिए तो उसमें आपको ड्राइविंग मोड में करना, अगर ये है कि थोड़ा सा पिकअप आपको ज़्यादा चाहिए तो और थोड़ा सा आपको स्पीड का इसका मज़ा लेना है इस गाड़ी का, जो कि भाई है ही रॉकेट ये गाड़ी वर्सेस आपको, मैं तो पर्सनली जो मैंने 1.5 चलाया था वो तो पूरी रॉकेट थी, तो उसको आप स्पोर्ट मोड में लगाना। बाकी 0 to 100 की स्पीड मैंने तीनों मोड्स में लगाई, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ इसमें फील नहीं हुआ कि अंडर पावर्ड है,
बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होता कि 1000 सीसी का है तो इसमें अंडर पावर होगा, क्योंकि आपका और भी गाड़ी है, जैसे छोटी छोटी गाड़ी ऑल्टो हो गई, वैगनार हो गई, 1100-1200 सीसी का इंजन आ रहा है, उससे कुछ हमारा फर्क नहीं पड़ता। हमारा टोटली डिपेंड करता है कि हमारी गाड़ी का एक जो इंजन है वो तो सीसी पर डिपेंड करते ही करता है, प्लस क्या टॉर्क निकाल रही है कितने आरपीएम पर, प्लस और उसमें जो आपको बीएचपी मिल रहे हैं कितना बीएचपी कंपनी है और उसकी जो प्रोडक्ट है क्या क्लेम कर रही है, टोटली उस पर भी डिपेंड करता है। यही था आज का हमारा वर्तुस 1 TSI का पेट्रोल इंजन का, यही था हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और जितना हो सकता है उतना आगे भी अपने दोस्तों को बोलना कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इसकी मैं ट्राई ये करूँगा कि 1.5 और 1 CC इंजन का जो ये वाली गाड़ी है दोनों का ड्रैग रेस में लेके आऊँ, ट्राई कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी आगे मैं कब लाता हूँ, और मैं उसका आपको जल्दी अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में बता दूंगा। बाकी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और ये करके कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी गाड़ी पे चाहिए, तो जल्दी उस गाड़ी का भी हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो बस और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक है, करते रहो जितना हो सकता है, सारी वीडियो हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।